मोटरसाइकिल राइड करना काफी एडवेंचरस और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। लॉन्ग स्ट्रेट हाईवेज पर क्रूजिंग हो या फिर शार्प टर्न्स पर कॉर्नरिंग, राइडर्स अपनी बाइक पर हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अपनी मोटरसाइकिल पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेना हर किसी को पसंद होता है, पर क्या हो अगर आपको मोटरसाइकिल राइड करने के पैसे भी मिले। हेलो राइडर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल मोटरसाइकिलिंग करियर ऑप्शंस के, जैसे कि टेस्ट राइडर्स, मोटरसाइकिल टूरिंग गाइड और मोटोजीपी रेसर। कुल मिलाकर हम मोटरसाइकिल राइडिंग से जुड़े 6 करियर ऑप्शंस की बात करेंगे और सिर्फ इनकी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग। हर स्पोर्ट्स की तरह भारत में मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए एक नेशनल लेवल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसका नाम है INMRC, यानी कि इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप। This is a hot, hot afternoon here at the Madras Motorsport Racetrack, but this is the Indian National Motorcycle Racing Championship. इस रेस में होंडा, 1010 रेसिंग, TVS रेसिंग और एपेक्स रेसिंग जैसी बड़ी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। इनमें से होंडा और TVS रेसिंग ही फैक्ट्री टीम्स हैं, जो अपने राइडर्स को पे करती हैं। फैक्ट्री टीम के वेल पेड राइडर बनने से पहले आपको खुद के पैसों से ट्रेनिंग और रेसिंग चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करना होगा। सबसे पहले आपको FMSCI यानी कि फेडरेशन ऑफ मोटरस्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर रेसिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और किसी ट्रेनिंग एकेडमी से बेसिक ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद अपनी मेहनत और स्किल्स की मदद से आप आगे बढ़ते हुए INMRC तक पहुंच सकते हैं। INMRC में कॉन्स्टेंटली अच्छे परफॉर्मेंस के बाद आप दूसरे इंटरनेशनल रेसिंग चैंपियनशिप्स और इवन MotoGP में भी जा सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है टेस्ट राइडर्स। जब भी कोई नई बाइक डेवलप होती है तो लॉन्च से पहले उसे सड़कों पर काफी लंबे समय तक टेस्ट किया जाता है, ताकि लोगों के हाथों में जाने के बाद बाइक में कोई प्रॉब्लम या फिर किसी तरह का कोई फॉल्ट न रह जाए। इंटरनेट पर आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिनमें किसी अपकमिंग बाइक को सीक्रेटली सड़कों पर टेस्ट किया जा रहा होता है। ये टेस्ट राइडर्स नई बाइक को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में हर तरह से चेक करके कंपनी को फीडबैक देते हैं, जिसके बेसिस पर प्रोटोटाइप में जरूरी चेंजेस किए जाते हैं, ताकि जब फाइनली नई बाइक मार्केट में लॉन्च होने के बाद सड़कों पर आए तो बायर्स को अपनी बाइक में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एक प्रोफेशनल टेस्ट राइडर बनने के लिए आपके पास राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ ही बाइक की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल नॉलेज होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक टेस्ट राइडर तभी बन सकते हैं जब आपके पास मैकेनिकल या ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की डिग्री हो। अगर आप ऑफ रोडिंग एडवेंचर के शौकीन हैं तो रैली रेड का ऑप्शन आपको काफी पसंद आएगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हर साल कई रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिनमें राइडर्स हजारों किलोमीटर लंबे रास्तों को पार करते हैं। बेसिकली ये एक लॉन्ग एंड्योरेंस रेस होती है, जिसमें राइडर्स को एक्सट्रीम चैलेंजेस फेस करने होते हैं। डकार रैली दुनिया की सबसे फेमस और मोस्ट डेंजरस रैली है, जिसमें राइडर्स को हर दिन लगभग 800 से 900 किलोमीटर कवर करने होते हैं। ये रेस लगभग 15 दिनों तक चलती है और एंड में विनर को $45,000 यानी कि लगभग 32 लाख रुपए का प्राइज अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा टॉप राइडर्स को स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी ढेर सारे पैसे मिलते हैं। इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको पहले लोकल रैलीज में पार्टिसिपेट करके अच्छा परफॉर्म करना होगा, जिसके बाद आप दूसरी नेशनल और इंटरनेशनल रैलीज से होते हुए डकार रैली तक पहुंच सकते हैं। भारत में समय समय पर कई रैली रेड्स ऑर्गेनाइज होती हैं, जिनमें से रेड डी हिमालया सबसे पॉपुलर है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है मोटरसाइकिल टूरिंग गाइड। रीसेंट ईयर्स में ये करियर काफी डिमांड में है, क्योंकि लोग लद्दाख और दूसरे माउंटेन रीजन्स में मोटरसाइकिल राइडिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जिसके लिए एक एक्सपीरियंस राइडर की जरूरत होती है जो बाइकर्स के ग्रुप को लीड कर सके। अगर आप एक स्किल्ड राइडर हैं और लोगों के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट करना जानते हैं तो मोटरसाइकिल टूरिंग गाइड आपके लिए एक ड्रीम जॉब बन सकती है, जहां आप नए नए लोगों को एडवेंचरस ट्रिप्स पर लीड करके ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हैं। मोटरसाइकिल्स पर स्टंट करना वैसे तो काफी खतरनाक होता है, पर अगर प्रॉपर सेफ्टी और कंट्रोल्ड कंडीशंस में की जाए तो स्टंटिंग बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट है। प्रोफेशनल स्टंट राइडिंग में आप डिफरेंट स्ट्रीम्स चूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीस्टाइल परफॉर्मर या मूवी स्टंट राइडर।
रॉक बैगरोज एक प्रोफेशनल स्टंट राइडर हैं जो KTM के लिए काम करते हैं। रॉक KTM के प्रमोशनल इवेंट्स और एडवर्टीजमेंट वीडियोस में स्टंट परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी अच्छा साइनिंग अमाउंट मिलता है। इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको शुरुआत में किसी स्टंट एकेडमी से ट्रेनिंग लेनी होगी और फिर अपने स्किल्स के दम पर खुद को एस्टैब्लिश करना होगा। और एंड में है MotoGP रेसिंग। MotoGP वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोटर स्पोर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो आज पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हो चुकी है। एक सक्सेसफुल MotoGP रेसर की अर्निंग और फेम किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। मार्क मार्केज, वेलेंटिनो रॉसी और फाबियो क्वार्टरारो वर्ल्ड फेमस MotoGP राइडर्स हैं, जो अपना फेवरेट काम करते हुए नेम, फेम और ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं। MotoGP तक पहुंचने के लिए पहले आपको लोकल और नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप्स में खुद को प्रूव करना होगा, जिसके बाद आप Moto3 और Moto2 जैसे जूनियर क्लासेस से होते हुए फाइनली MotoGP तक पहुंच सकते हैं। यहाँ हमने मोटरसाइकिलिंग से जुड़े डिफरेंट करियर ऑप्शंस की बेसिक्स को जाना, पर आगे मोटरसाइकिल रेसिंग और MotoGP में करियर बनाने के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। Ride safe to ride again. See you in the next one. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the